जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आप सभी को इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरी ट्रेन कहाँ है, कितनी लेट है, कब तक आएगी, कितने प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो ये सब किसी को नहीं पता चलता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता रहता है, तो आज का ये वीडियो उन्हीं सब भाई के लिए है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ अपने होम स्क्रीन पे, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर में, एंड प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में सर्च करना है वेयर इज माई ट्रेन, और ये ऐप आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा, जो कि मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने से और आपको कब कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स, मतलब माल बाय द वे आप मान लीजिए हावड़ा है, ओके, हावड़ा से न्यू दिल्ली आपको जाना है। तो ऊपर वाले पे लिखना है आपको हावड़ा, एंड नीचे वाले पे लिखना है नई दिल्ली, ठीक है। और फिर फाइंड ट्रेन, मतलब सर्च करना होगा ट्रेन को कि ट्रेन कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ है। ट्रेन सब मैं आपको बता देगा। ऊपर सबसे देखिए पूर्वा एक्सप्रेस है, वो भी 8 बजे, 8:30 बजे है न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। तो पूर्वा एक्सप्रेस दिख रहा होगा आपको, मतलब आपका डाटा भी ऑन रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको देखो पूरा दिख रहा होगा कि 8:14 पे ये निकली है हावड़ा से, बर्धमान पहुंची है 9:19 पे, ठीक। और अभी ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए अभी हतीता जंक्शन, मतलब मोकामा पहुंचने वाली है। ये जो आपको दिख रहा होगा ना ट्रेन का स्क्रीन, ये आपको बताता है कि ये ट्रेन कहाँ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोकामा 441 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यहाँ पर आपको दिखाएगा। और उसके जस्ट राइट साइड प्लेटफॉर्म लिखा होगा, और वहाँ पे लिखा होता है कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आने वाली है। तो मोकामा में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रेन कहाँ है कैसे है देख लिए, ठीक। अगर आपको ट्रेन का नंबर से पता करना हो तो आप नीचे जो लिख रहा होगा यहाँ पे देखिए, देखिए ट्रेन नंबर और नेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए ऊपर अगर मान लीजिए लिच्छवी एक्सप्रेस 14006, लिच्छवी एक्सप्रेस आनंद विहार टू सीतामढ़ी मैंने सर्च किया, तो इसका ट्रेन नंबर है 14006, तो मैंने लिच्छवी एक्सप्रेस आ गया। और आप इसको देख सकते हैं कि ये अभी कहाँ है, ये अभी छपरा जंक्शन पे पहुँच चुकी है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप देख सकते हैं। और इसमें आपको अगर स्टेशन मान लीजिए आप पटना जंक्शन पे हैं, तो यहाँ पे नीचे में एक कॉर्नर दिखेगा स्टेशन डिपार्चर बोर्ड, तो आप इसमें देख सकते हैं पटना, ओके। फिर पटना लिखे सर्च किया, अब पटना से कितनी ट्रेन आएंगी जाएगी आपके टाइम के हिसाब से। अगर अभी 2 बज रहा है तो 2 बजे के बाद 2:30 बजे के, मतलब मान लीजिए 2 बजे, तो 2 बजे के बाद से कितनी ट्रेन आएंगी जाएंगी वो सब आपको यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पे इतनी ट्रेन आने वाली है 2 बजे, मतलब 12 बजे रात तक का, उसके बाद का भी दिखा सकता है ये देखिए। बट ये 2 बजे मान लीजिए कभी टाइम हो रहा है 2:40-2:45 हो रहा है, तो वही 2:30 बजे के आसपास का आपको दिखा रहा है कि पटना में ये ट्रेन अभी आने वाली है। देवघर पटना मेमू, पटना गया मेमू, पंडित दीनदयाल पटना मेमू, इंदौर पटना, सासाराम एक्सप्रेस पटना टू सासाराम, ऐसे हैं, ठीक। और आपको अगर नीचे अपना टिकट पे जो टिकट पे PNR होता है, PNR अगर आपको PNR चेक करना है, तो देखिए नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा होगा PNR, इस पर आपको टैप करना है, और यहाँ पर अपना इंटर योर PNR नंबर लिखा हुआ है, उस पर आपको PNR इंटर करना है। और PNR इंटर करते हैं यहाँ पे फाइंड PNR स्टेटस, तो आपको सब स्टेटस दिखा देगा कि आपका टिकट में कौन सा सीट अवेलेबल, मतलब कन्फर्म हुआ है नहीं हुआ है। और आपको अगर आपको इस ऐप से टिकट बुक करना भी हो, तो नीचे टिकट के लिए भी सीट अवेलेबिलिटी अगर देखना हो देख सकते हैं इसमें, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस ऐप से टिकट बुक ना ही करें तो सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कुछ गलती हो गया हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना।